दिल्ली में एमसीडी में भाजपा को पराजित कर और गुजरात में 5 सीटें हासिल कर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अपनी दस्तक देते हुए आपने वोट हासिल किए, जिसको लेकर मैहर में आम आदमी पार्टी ने रैली निकाली। आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं और करके भी दिखा दिया है। एमसीडी की जीत गुजरात और हिमाचल में वोट से आप राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। दिल्ली में 15 साल से एमसीडी में कुशासन को उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वह है आम आदमी पार्टी। गुजरात में जनता का प्यार मिला है। उन्होंने कहा आज से 10 साल पहले हमारी पार्टी का गठन हुआ था और आज राष्ट्रीय पार्टी हम बन गए हैं। इसी तर्ज को लेकर हम अब मध्य प्रदेश में मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। जनता आपको विकल्प के तौर पर देखती है। आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं ये एमसीडी को जीत को लेकर इकट्ठे हुए हैं, प्लस गुजरात में जहां हम लोग जीरो थे वहां पे आज जो अभी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट चल रही है उसमें हम 13% वोट लाकर बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस हिसाब से ये जो आज हम लोग जश्न मना रहे हैं ये एमसीडी के जीत की है, जिस जहां भाजपा का 15 साल का कुशासन था और उसको वहां पर आम आदमी पार्टी ने उखाड़ कर फेंक दिया। तो इससे एक बात ये प्रूफ होती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। दूसरा, गुजरात की अगर बात करें तो वहां की जनता ने हमें इतना प्यार दिया है कि आज गुजरात की जनता के कारण, गुजरात की वोट के कारण आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है और इतनी तेजी से तरक्की करने वाली आम आदमी पार्टी देश की पहली पार्टी है कि पिछले 10 साल पहले 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और ठीक 10 साल बाद आज आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।